पवनदीप और अरुणिता दिल से गाते ही नहीं है बल्कि उनकी आवाज में दर्द भी दिखता है। जी हाँ, कई बार पवन ने अरुणिता को डेडिकेट करते हुए कई गाने गाए और फिर से पवन अरु को डेडिकेट करते हुए गाना गाते नजर आए, जिसमें उनका दर्द अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पवन की आंख भर आई वाली वीडियो खूब वायरल हो रही है। पवन दर्द भरी आवाज से कहते हैं कि जिएंगे कैसे तेरे बगैर। दरअसल हुआ ये कि पवन अरु सुपर डांसर 4 के सेट पर पहुंचे थे। यहाँ पवन अरु के साथ साइली, शर्मप्रिया, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश सबके सब नजर आए, लेकिन अरुणिता उस बीच कहीं गायब होती है। तभी पवन उन्हें अपने पास बुलाने के लिए गाना गाते हैं। पवन अपना और अरु का गाना गाते हैं। पवन कहते हैं कि मेरी आंख भर आई है जब ये फैसला लिया, जिएंगे कैसे तेरे बिन ओ जाना। पवन की आवाज से लग रहा था कि वो अरुणिता को बुला रहे हैं और उनकी आवाज सुनते ही अरुणिता एक झटके में पवन की नजरों के सामने आ गई। जैसे ही पवन ये गाना गाते हैं, वैसे ही अरुणिता हंसती हुई उनके पास आ जाती हैं और फिर अरुणिता के आते ही पवन अपना गाना ओ संयोनी भी गाते हैं। आपको बता दें, इंडियन आइडल 12 में जब पवन थे तभी हिमेश रेशमिया ने उनसे और अरु से तेरे बगैर गाना रिकॉर्ड करवाया था। उसके बाद पवन अरु से ओ संयोनी गाना भी रिकॉर्ड करवाया। इनका ये गाना हिट भी गया। इन दोनों गाने के बाद पवन अरु को एक साथ ही देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं पवन अरु भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और दोनों का एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में दोनों प्यार में है? सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 का पवन अरु का एपिसोड आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। जी हाँ, कल रात बड़े अच्छे लगते हैं 2 को देखने के लिए फैंस में एक अलग ही क्रेज देखने को मिला। इस शो की खास वजह पवनदीप और अरुणिता कांजीलाल थी। जी हाँ, इन दोनों की वजह से ये शो खूब देखा गया और कल रात इस शो की TRP देखने लायक थी। जी हाँ, कल रात पवनदीप अरुणिता का इस शो में शानदार स्वागत किया गया। पवन अरु ने शो में पहली झलक में ही फैंस को इस कदर मजबूर कर दिया कि लोग नाचने पर मजबूर हो गए। इनके फैंस इन्हें देखने के लिए TV के आगे बैठ कर इनकी झलक देखने का इंतजार करते दिखे और जैसे पवन अरु की झलक दिखी वैसे ही धमाल मच गया। सोशल मीडिया पर इनके वीडियोज वायरल होने लगे। शो में पवन अरु ने जैसी परफॉर्मेंस दी उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनके अलावा शो की TRP 4th आसमान पर पहुंच गई। पवन अरु ने वीरिदी वेडिंग फिल्म का गाना भंगड़ा ता सजदा को बिंदास होकर गाया। भंगड़ा ता सजदा पर एक तरफ इनके बोल निकल रहे थे तो दूसरी तरफ इनके हाथ पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ने जबरदस्त डांस किया। इसके साथ बड़े अच्छे लगते हैं 2 की टीम ने भी खूब डांस किया। हर कोई इनके गाने पर नाचने को मजबूर हो गया। पवन ने स्टेज पर आते ही कहा कि लड़की वाले बड़े फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन लड़के वाले भी किसी से कम नहीं है। ये बात बोलते ही लड़का लड़की दोनों की तरफ से लोग डांस के लिए पवन अरु के पास पहुंच गए और स्टेज पर पवन अरु को बीच में खड़ा करके पूरी टीम ने खूब डांस किया। इस जोड़ी की परफॉर्मेंस देखकर सीटियां और तालियां बजने लगी। आपको बता दें, दिशा और नकुल मेहता की सगाई सेरेमनी में पवन अरु परफॉर्मेंस करने पहुंचे थे। धीरे धीरे पवन अरु अपने सिंगिंग करियर के साथ शो में भी दस्तक देकर लाइमलाइट बटोर रहे हैं। पवन अरु का अब द कपिल शर्मा शो का एपिसोड भी जल्दी ऑन एयर होने वाला है। इस शो में भी पवन अरु और उनके साथियों ने खूब मस्ती की और लाइमलाइट बटोरी है। अब खबरें तो ऐसी भी हैं कि पवन अरु अब नए शो सुपर डांसर में नजर आने वाले हैं। सुपर डांसर का भी इनका वीडियो बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। पवन अरु की वजह से कई शो की TRP बढ़ रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े शोज इन्हें इनवाइट कर रहे हैं और लगातार इनकी लॉटरी निकल रही है। तो आप पवन अरु की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 से मशहूर हुए पवनदीप, राजन, अरुणिता कांचीलाल, साइली कामले, मोहम्मद दानिश, निहाल तारो और शर्मुख प्रिया जल्द ही कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे। रविवार के एपिसोड के लिए गायक और भाई बहन की जोड़ी नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के साथ साथ इंडियन आइडल 12 के 6 फाइनलिस्ट का द कपिल शर्मा शो में स्वागत किया गया। एक फन सेगमेंट के दौरान पवनदीप राजन कपिल शर्मा द्वारा आयोजित एक स्पेशल टेस्ट लेते नजर आएंगे। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन, जिन्होंने अरिजीत सिंह की शायद के गायन से दिलों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें उनकी एकाग्रता कौशल के लिए भी जाना जाता है। इसे केंद्र बिंदु मानते हुए पवनदीप को कोई भी गाना गाने के लिए कहा गया, जबकि मेहमान नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के साथ अरुणिता कांचीलाल, साइली, दानिश, निहाल और शर्मुख प्रिया
और होस्ट कपिल शर्मा ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन फिर भी पवनदीप राजन ने न केवल ये टेस्ट पूरा किया बल्कि वो जीते भी। पवनदीप राजन की भावपूर्ण आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने फिल्म जब हैरी मेट सेजल का गाना हवाएं गाया। इस बीच कई लोग उनके गायन को बाधित करने की कोशिश करने लगे, उनका दिमाग डिस्टर्ब करने लगे। सीटी बजाना, पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करना, झांझ बजाना, हॉर्न बजाना और भी कुछ। नेहा कक्कर ने अपने चेहरे पर एक खिलौना बंदूक तक ले ली जबकि एक बेफिक्र पवनदीप गाता ही रहा। अंत में ये साबित हो गया कि पवनदीप राजन सचमुच दृढ़ निश्चयी हैं और एक वो ऐसे इंसान है जिसका दिल साज संगीत में स्वरों से संबंधित है और उसे कोई नहीं हिला सकता। पवनदीप ने इस टेस्ट को भी पास कर लिया। उन्हें लोगों ने बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी पवनदीप अपनी आवाज और गाने में मगन रहे। उन्होंने पूरा गाना बड़े ही अच्छे तरीके से गा दिया। नेहा कक्कड़ के सामने पवनदीप और अरुणिता कल के आए कंटेस्टेंट हैं, लेकिन पॉपुलरिटी में पवन अरु इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब इन्हें भी नेहा के बराबरी देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत आप कपिल के शो में देख सकते हैं। दरअसल हुआ ये कि यहाँ नेहा कक्कर अपना गाना काटा लगा का प्रमोशन करने पहुंची थी। नेहा के साथ टोनी कक्कर, हनी सिंह भी पहुंचे और इसी शो में एक ही एपिसोड में पवनदीप अरुणिता के साथ उनके साथी साइली दानिश प्रिया भी पहुंचे। पवन और अरुणिता को भी कपिल ने अपने शो में इनवाइट किया था, ये खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन पवन अरु के साथ नेहा कक्कर को भी एडजस्ट किया जाएगा वो किसी को नहीं पता था। एक ही एपिसोड में नेहा की टीम और पवन की टीम नजर आई। पवन अरु के फैंस को उम्मीद थी कि इस बार तो कपिल उन्हें स्पेशली बुलाएंगे, उनके और अरु के रिश्ते का सवाल पूछेंगे और भी कई मजेदार बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई। जी हाँ, नेहा कक्कर की वजह से पवन अरु को इस शो में ज्यादा वक्त नहीं दिया गया। कपिल के शो में पवन अरु को बुलाया तो गया लेकिन उन्हें नेहा की वजह से ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल पाई, वो अपने सवाल जवाब नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि कपिल ने नेहा कक्कर को ज्यादा टाइम दिया। पूरे एपिसोड में पवन अरु बहुत कम टाइम के लिए नजर आए। उनकी टीम को इस बार भी सिर्फ एक गाना गाने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। कपिल पहले भी पवन को गाना गाने के लिए स्टेज पर बुला चुके थे और उसी वक्त उन्हें विदा कर दिया था। इस बार भी पवन और उनके साथियों के साथ ऐसा ही किया गया। एक तरह से पवन अरु और उनकी टीम की ये गंदी वाली बेइज्जती की गई है। माना कि नेहा कक्कर इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा है तो उनका स्वागत और खातिरदारी भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पवन अरुणिता की बेइज्जती करनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि कपिल को पवन अरु और उनकी टीम को अलग से बुलाना चाहिए था? कपिल के शो की कई वीडियो सामने आए हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सब एक ही एपिसोड में नजर आने वाले हैं। फिलहाल आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा कि माजरा पूरा क्या है और कपिल ने पवन अरु के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। आपको बता दें, नेहा कक्कड़ ने हाल ही में अपना नया गाना कांटा लगा का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वो कपिल और टोनी के साथ कांटा लगा पर डांस करती नजर आ रही है। नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर कपिल के शो के कई वीडियो शेयर किए हैं। इस वीडियो में नेहा का अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा है, वो अपने भाई टोनी कक्कर और कपिल शर्मा के साथ कांटा लगा गाने पर जमकर डांस करती नजर आ रही हैं। वही टोनी और कपिल भी नेहा के साथ डांस मूव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनका वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नेहा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं कपिल भैया, कल हमने क्या शानदार एपिसोड शूट किया,